बैक टू द पेशेंट्स नेस्ट। आज है संडे और आज है हमारा बंगाली न्यू ईयर। सो आप सभी को द पेशेंट्स नेस्ट की तरफ से शुभ नव वर्ष एंड अ हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। सो अभी बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ। दीपांजन और ध्रुव सो रहे हैं, वो दोनों कल रात काफ़ी लेट सोए थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं वही समर अराउंड 11 o'clock सो गई थी, तो मैं जल्दी उठ गई और अभी शुरू करते हैं आज का दिन। आज भी मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मीन्स मेरी स्कूल की फ्रेंड, कॉलेज की फ्रेंड है, उसने इन्वाइट किया है। आज उसके घर पर पूजा है और वहाँ हम जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज ऑन। सो वी आर ऑल सेट टू गो। काफ़ी लेट हो चुका है कल की तरह, और हो ही जाता है ना, वीकेंड है और आज पहला वैशाख है तो घर पे भी थोड़ा पूजा वगैरह करना था। सो अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हम निकल चुके हैं और आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, नहीं तो बैंगलोर में इतनी ज्यादा गर्मी शायद ये पहली बार हुई है क्या दीपांजन? मतलब लास्ट 5 years में तो ये मैं पहली बार देख रही हूँ इतनी ज्यादा गर्मी। कल थोड़ा सा शायद टेम्परेचर कम था, मुझे ऐसा लगा रात में, मुझे थोड़ी सी ठंड लगी थी। हाँ परसों भी थोड़ा कम था, नहीं तो लास्ट कुछ दिन से इतनी ज्यादा गर्मी, बाप रे, ये लग ही नहीं रहा है कि ये बैंगलोर है। बेसिकली लोग बैंगलोर को इसलिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि एक ही चीज बैंगलोर में सही बचा हुआ था, वो भी आजकल लग रहा है खत्म होने वाला है, नजर लग गया लोगों का। मैं आ गई हूँ फिनिक्स मॉल और फिनिक्स मॉल के होम सेंटर में मैं जाऊँगी। ये मेरा हमेशा का गो टू प्लेस है। अगर आप कहो तो होम सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ आके मैं कभी बोर नहीं होती, लेकिन आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जल्दी से उसके लिए गिफ्ट लेना है और निकलना है यहाँ से। हम फाइनली पहुँच गए देखो के यहाँ, और इसके यहाँ पूजा भी हो चुका है, और पूजा बेसिकली था 10 बजे। बात ये हुआ कि पहले पूजा का टाइम 1 बजे था और फिर बाद में चेंज होके पूजा का टाइम 10 बजे हो गया, तो मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई और मैं थोड़ी लेट हो गई। और आते के साथ यहाँ पे ध्रुव और ये दोनों बच्चे देवोश्री के सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं, घुल मिल गए और खेलना शुरू कर दिया। और तीनों में से किसी को खाने पीने में कोई ध्यान नहीं। मैंने ध्रुव को जबरदस्ती थोड़ा बहुत लंच कराया, लंच उसने पूरा बंगाली लंच रखा था, बासंती पुलाव, राधा वल्लभी, दम आलू, छाना डालना, आम की चटनी, आलू भाजा, पापड़, मिष्टी, बहुत सारा कुछ था। लंच के बाद हम लोगों ने काफ़ी बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा दिन था हमारे लिए। जुलाई में मिले थे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 months। काफी लंबे समय के बाद हम लोग मिले। जब शादी करके आए थे तो हम दोनों सोचते थे कि हाँ, कि हम कितना खुश हो गए थे ना, अब तो साथ रहेंगे, अब हम मजे करेंगे, लेकिन वही होता है शादी के बाद फिर सबका गड़बड़ हो जाता है। खैर कोई नहीं, एटलीस्ट एक सिटी में तो हम मिल लेते हैं, बाकी लोगों से तो अभी नहीं मतलब रहता है कि हाँ कोई तो है पास। हाँ कभी कुछ लगेगा, मतलब हम मिलते नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई मतलब ऐसा टाइम आए जब जरूरत हो तो लग सके हाँ है। मतलब मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ जाऊँगी, क्या हमने प्लान बनाया लास्ट में बाहर मिल पा रहे, घर पर नहीं मिल पा रहे, घर नहीं आ पा रहे तो बाहर मिल रहे। सीरियसली कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हम लोग, आए ऐसे चाय पीने हम शायद हॉस्टल के बाद पहली बार आए। बैंगलोर में रह के भी आज 3 साल हो गए मेरे को। नहीं नहीं, एक बार फिर हम गए थे ना वो गोपालन मॉल में, बट वो हम चाय नहीं पीते थे, फ्रैप्पे वगैरह कुछ पिए थे, तो हमारे लिए चाय नहीं है, फिर कदम फ्रैप्पे पिया अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद चलो मैं आऊँगी ऐसे, क्योंकि मेट्रो कनेक्शन भी अच्छा है, बहुत अच्छा, आराम से ऑफिस से डायरेक्ट आ जाऊँगी। दीपांजन खोजते रह जाएंगे कहाँ गई मेरी भाग गई, बोलेंगे नहीं अच्छा हो गई। ऐसा लगा कि फिर से जाना पड़ेगा मेरे को लाने। इतना लेट क्यों हो गया? अरे नींबू नहीं हुआ था फिर में। थैंक यू। तुम लोग पी लेगा? नहीं। हम घर पहुंच गए और जब तक मैं फ्रेश होने लगी तब तक ये भाई साहब को देखिए। एक्चुअली हुआ क्या, देवश्री ने एक स्वीट्स का पैकेट पैक करके दिया था,
और मैंने इसको निकाल के किचन में रखा था। तो जब तक मैं फ्रेश होने के लिए गई, तब तक भाई साहब ने सारी मिठाइयों को फैला कर इधर उधर करके और थोड़ा बहुत खाया भी है। ये जो देवो मेरी फ्रेंड है, ये और मैं एक सेम हॉस्टल में हम रूममेट्स हुआ करते थे ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज। तो हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और फिर शादी भी यहीं एक ही सिटी में हुई। तो हम ये सोचते थे कि हम शायद वैसे ही रहेंगे, वैसे ही मिलेंगे, बट वो तो फिर पॉसिबल नहीं होता है। फिर हमारे घर पे मम और निशित आ गए थे, तो मम यानी दीपांजन की कजिन और निशित उसके हस्बैंड। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम कुकिंग वगैरह और कुछ नहीं करेंगे, तो हम बाहर ही थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। पहले तो सब लोगों ने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा खाना है, किसी ने बोला मुझे सिर्फ एक इडली खाना है, किसी ने बोला मुझे कुछ भी नहीं खाना है, बस ऐसे ही चलते हैं। फिर जब हम पहुंचे तो वो फूड का शॉप देख के, वो रेस्टोरेंट देख के सबको ज्यादा भूख लगी। फिर हमने काफी सारी चीजें ऑर्डर की। पहले तो हमने बोला बस हम एक इडली करेंगे और एक डोसा करेंगे। फिर हम जाते के साथ वहां पे सबका एक एक करके ऑर्डर बढ़ने लगा और फिर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया, हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। और ये जो न्यू ईयर था, ये जो नव वर्ष सेलिब्रेशन था, ये वाकई में बहुत ही अच्छा बीता हमारा। हम सब लोगों ने साथ में मिलके बिताया एंड इट हैड बीन अ वेरी नाइस डे फॉर अस। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।